आप उस स्क्रिप्ट को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं सर कि ऐसे ऐसे मुझे अपने एक्सप्रेशन डेवलप करने, ऐसे बॉडी लैंग्वेज सर अपनी, हम रिएक्शन की घर पर प्रैक्टिस कैसे करें? डू यू वांट टू जॉइन फिल्म्स? डोंट नो हाउ? वॉच एंड सब्सक्राइब नाउ जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल फॉर थाउजेंड्स ऑफ फ्री वीडियो लेसंस ऑन हाउ टू जॉइन फिल्म्स। जब आप सेट पे जाते हैं तो सर जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है तो सर आप उस स्क्रिप्ट को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं सर कि ऐसे ऐसे मुझे अपने एक्सप्रेशन डेवलप करने, ऐसे बॉडी लैंग्वेज सर अपनी? मेरे साथ थोड़ा सा अलग हुआ। देखिए, मैंने जब मेरी पहली फिल्म की थी तब मैं 4 साल का था, तो मुझे तो आप ये समझ लीजिए कि मुझे मैं काम करता गया और मैं सीखता गया, तो मेरी जर्नी थोड़ी सी अलग रही है। मैं ट्रेन होकर नहीं आया था एक्टर बनने के लिए, मैं काम करते करते मैंने ट्रेनिंग ली। मैं करते करते मुझे माहौल समझ में आया, करते करते मुझे तरीका समझ में आया। जैसे कि मैंने बार बार कहा है ऑब्जर्वेशन पे मैंने बहुत बात की है, तो मैं ऑब्जर्व करता था। जैसे मैंने कहा आज भी मैं दूसरे एक्टर को ऑब्जर्व करता हूँ, तो आप ऑब्जर्व कीजिए। जैसे आपने कहा ना कि तैयारी कैसे करते हैं, तो तैयारी अगर करनी है तो उसका सबसे पहला आपको ऑब्जर्व करना है। आप ऑब्जर्व करोगे तभी आप तैयारी करोगे, आप इमेजिन करोगे तभी आप तैयारी करोगे। और आप अपनी वीडियोस बनाइए ना, जो आपको लगता है कि वॉइस मॉड्यूलेशन है तो आप बनाइए ना आवाज़ में। बहुत सारी है, जैसे फॉर एग्जांपल दामिनी का अमरीशपुरी, निकालिए उसके डायलॉग, बोलिए, बनाइए वीडियो अपने तरीके से बनाइए। तो इस तरीके से बहुत सारी, शोले, गब्बर सिंह, बनाइए वीडियो खुद के तरीके से। नवाजुद्दीन की वो फिल्म निकालिए, बनाइए वीडियो अपनी। तो आप प्रैक्टिस करते 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 वो क्या होगा कि इट विल बिकम पार्ट ऑफ यू। वो अननोइंगली फिर आपके अंदर से वो बात अपने आप निकलेगी, आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। आप इतना मंच जाओगे उसके अंदर, आपको इतना चीज़ आ जाएगी कि आप ऐसे चीज़ों को पकड़ लोगे। तो अपने आप की तैयारी करने के लिए फिर मैंने कहा कि आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और आपको इमेजिन करना पड़ेगा, फिर आपको अपने अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये सारी स्टेप्स, इट इज़ नॉट सो ईजी। इसलिए मैंने हमेशा कहा कि आप एक्टिंग को एज अ हॉबी मत लीजिए, इट इज़ अ पैशन, इट इज़ अ फुल टाइम प्रोफेशन एंड इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हम रिएक्शन की घर पर प्रैक्टिस कैसे करें? आपने एक्टिंग क्लास ले ली तो जो आपके जो सर हैं वो आपको रिएक्शन, एक्शन, वॉइस मॉड्यूलेशन, ये सारी चीज़ें वो आपको सिखाएंगे। रिएक्शन विल बी अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो रही बात रिएक्ट कैसे कर, जैसे मैं आपको बताऊँ, आप चार्ली चैपलिन देखिए, चार्ली चैपलिन की फिल्मों में, या मिस्टर बीन देखिए, वहाँ पर डायलॉग है ही नहीं, सिर्फ एक्शन है और रिएक्शन है। और चार्ली चैपलिन और मिस्टर बीन हमेशा रिएक्ट ही करते हैं, वो ऐसे सिचुएशन में आते हैं कि वो रिएक्ट करते हैं। तो आपको मैंने जैसे पहले वाले सवाल का भी जो मैंने जवाब दिया है कि इसका 2+2=4 नहीं होता है, कि मैं बॉडी लैंग्वेज कैसे बनाऊँ, ऐसे नहीं होता है, मैं अपना रिएक्शन कैसे दूँ, ऐसा नहीं होता। आप जब ऑब्जर्व करोगे, जब आप इमेजिन करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप मिरर के सामने अपनी एक्सरसाइजेस करोगे, जब आप अपने वीडियोस बनाओगे और देखोगे कि हाँ यार ये मैंने ऐसा रिएक्ट किया है, ये सही नहीं था, ये मुझे ऐसा करना चाहिए था, ये बेटर लग रहा है। आपको जैसे मैंने कहा आपको अपने जो वेपन्स है उसको शार्पन करना होगा, तो आप अपने वेपन्स को शार्पन कीजिए, वीडियोज़ बनाइए, मिरर के सामने एक्सरसाइज कीजिए, दोस्तों के साथ में मिलकर कुछ एक वर्कशॉप टाइप का कीजिए। दूसरे भी एक्टर्स होंगे, चल तू ऐसे कर मैं रिएक्ट करता हूँ, मैं बोलूँगा तू रिएक्ट कर, तू डायलॉग बोल, तू मुझे मार मैं गिरूँगा, ये आपको करना होगा। तो रिएक्शन का ऐसा होता है कि हर एक्टर का रिएक्शन का तरीका अलग होता है। जिस तरह आप अगर तारक मेहता देखते तो उसमें जो जेठालाल जिस तरह से रिएक्ट करता है वो एक अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो हर कैरेक्टर का रिएक्ट और एक्ट करने का तरीका अलग होता है। लेकिन सवाल तुमने बहुत अच्छा पूछा कि रिएक्ट, अक्सर लोग एक्टिंग और बॉडी लैंग्वेज और वॉइस को लेकर या पर्सनालिटी को लेकर बात करते हैं, ये आज तक किसी ने नहीं पूछा कि रिएक्ट कैसे करना है। तो ये सवाल तुमने बहुत अच्छा पूछा कि मुझे अच्छा रिएक्ट कैसे करना है। तो रिएक्ट के आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, इमेजिन कीजिए अपने आप को सिचुएशन में कि कोई मुझे मारने आ रहा है, किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी तो मैं ये कर लूँगा, इस तरीके से मैं रिएक्ट करूँगा, या कोई मुझे मारने आ रहा है तो मैं कैसे हाथ करूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं दोनों हाथ से करूँगा। वीडियो बनाइए, मिरर में देखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, हर चीज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आप अपने शहर में, अपने घर में रहते हुए प्रैक्टिकली एक्टिंग सीखना चाहते हैं, सिंगिंग सीखना चाहते हैं, फिल्म राइटिंग सीखना चाहते हैं या फिल्म डायरेक्शन, तो कॉल करें 8433666618 पर।